इवनिंग फ्रेंड्स, मैं देवासी साहब सबका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग जैकपॉट पे। और आज है थर्सडे और आज हम लोग करने वाले हैं कल के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो दोस्तों, मेरे डेस्कटॉप पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए आज मैं अपने मोबाइल से आपके लिए लेवल्स फाइंड करने की कोशिश करूँगा। तो उससे पहले फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन की आंसर मैं दे दूँ। तो फ्रेंड्स, आज टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आज भी टेलीग्राम चैनल में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। टाटा स्टील को हम लोगों ने पहले शॉर्ट किया था, आरबीएल बैंक में दो बार हम लोगों ने शॉर्ट करके प्रॉफिट कमाया था, यूपीएल पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, और फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी पे भी हम लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एक जो आज देखिए, ये है आपका आज का कैंडल। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, कल एक ग्रीन कैंडल बनाया था, राइट? कल एक ग्रीन कैंडल बनाया था, तो मैंने आप सबको बोला और टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने ये बात क्लियरली बोल दिया था कि जो कल का कैंडल है ना, ये वाला ग्रीन कैंडल, ये एक ट्रैप है। ओके, ये बुल्स को फंसाने की ट्रैप है। उसके पीछे का फ्रेंड्स आप एक रीज़न समझिए। देखिए, उसका जो पहले का कैंडल जो बना है रेड का, ठीक है, उसका क्लोजिंग और कल के कैंडल का क्लोजिंग वो लगभग सेम है। तो आपको क्या चाहिए? आपको एक चाहिए एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, जब तक ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल नहीं बनता, तब तक आप बिल्कुल उम्मीद मत कीजिए कि मार्केट में किसी भी तरह का बुलिश पैटर्न आने वाला है या फिर मार्केट में बुल्स एक्टिव होने वाले हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चंस की और कल का अगर आप लोग बात करें, कल पाँच सेलर में एक बायर था, फाइव सेलर्स में एक बायर्स था, फिर भी मार्केट ने कल ग्रीन कैंडल बनाया था ताकि बुल्स को ट्रैप कर सके और उनको फंसा सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लेवल्स के ऊपर। मार्केट फ्रेंड्स कितना गिर सकता है? मार्केट और 1000 से लेके और 2000 पॉइंट का गिरावट मैं देख पा रहा हूँ अभी। ठीक है, 1000 टू 2000 पॉइंट्स का। लेकिन अभी के लिए हम लोग एक काम करेंगे फ्रेंड्स, अपना दिमाग बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब मार्केट को रिट्रेसमेंट देना होगा तब मार्केट रिट्रेसमेंट देगा। ठीक है, तो उसको लेके अभी उतना कुछ टेंशन लेने का बात है नहीं, कुछ सोचने की बात है नहीं। ठीक है, अभी बस हम लोगों को फोकस करना है कि जब मार्केट गिर रहा है तो हमको सेलिंग पोजीशन पे रहना है, जब मार्केट बुलिश होगा तब हमको स्विंग करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो मार्केट को मैं अभी से मतलब मंडे तक ये बातें क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, मेरे को थोड़ा मोबाइल में आपको दिखाने के लिए थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी मैं आपको बात कर लूँ कि मार्केट और गिर सकता है। ओके, और 1000 से या फिर उससे ज़्यादा मार्केट गिर सकता है। ठीक है, तो मार्केट को हम लोग उसी नज़र से देखेंगे। अगर आपको कोई पोजीशन अगर आपको कैरी करना है तो आप बिल्कुल एक लॉन्ग पोजीशन में एक पोजीशन रखिए, एक शॉर्ट में रखिए, और दोनों को आप स्ट्रेंगल करते हुए आप ले सकते हैं। यानी कि आपका एक पोजीशन रहेगा लॉन्ग साइड पे, यानी कि एक सी पोजीशन और एक शॉर्ट पोजीशन, एक पी पोजीशन आप पकड़ के ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं मार्केट में बियरिश हूँ, और जब मैं मार्केट में बुलिश होऊंगा मैं बिल्कुल आपको यूट्यूब में अपडेट कर दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो कल के लिए मेरे कुछ पोजीशंस ऑलरेडी हैं पुट साइड में। ठीक है, तो देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में कि आगे की रणनीति क्या होगा। लेकिन फिलहाल के लिए आई एम कम्प्लीटली बियरिश फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।